समाज के दूर दूर से आए हुए सारे साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। आज भारत के दिल दिल्ली और दिल्ली के दिल जंतर मंतर पे आप लोग देश के कोने कोने से आए हुए अपने दुख दर्द को बयां करने के लिए आज दिल्ली के धरती जंतर मंतर पे आप बैठ गए हो। यानी जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग अगर सुन रहे हो तो आप लोगों को मैसेज दे देना कि आज देश का आदिवासी जग चुका है। आज वो दिन दूर नहीं है। कब तक सहोगे, कब तक सहेंगे? जब अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आदिवासी ने अपना आंदोलन शुरू किया था तो अंग्रेजों ने भी अपना घुटने टेक दिए थे। मात्र 25 साल की उम्र में कुलगुरु बिरसा मुंडा जी ने अपना प्राण का आहुति देके ये मैसेज दिया था कि हम झुकेंगे नहीं। मर सकते हैं मगर झुकेंगे नहीं। अगर पांचवी सूची माननीय बिरसा मुंडा जी के बाद उतने हाईली क्वालिफाइड जयपाल सिंह मुंडा जी बाबा साहब अंबेडकर साहब के साथ मिलकर उस टाइम पे 5th शेड्यूल में आदिवासियों के लिए खास प्रावधान किया। आज 70 साल बीत जाने के बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मार्कंडेय काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा ने भी ये मान लिया था कि आदिवासी जो है इस धरती के मूल निवासी है। इस धरती जब भारत देश भी नहीं था पहले से भी इस आदिवासी इस धरती में है और रहेंगे। आप मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, आज जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जहां पे सुप्रीम कोर्ट हम लोगों का हक अधिकार का रक्षा करना चाहिए था, मगर आदर्श गोयल और यूयू ललित का पीठ ने जिस तरह से प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को यहाँ पे एकदम खत्म करने की कोशिश किया, क्योंकि जो लोग अभी हर मिनट में आदिवासी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, दलित लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, इसलिए वो दबंगाई कर रहे हैं। हम लोगों का जल जंगल जमीन का रखवाले हम लोग है। जब जंगल जमीन से हम लोगों को खाली कर दिया जाएगा तो भारत भी कभी भी शांत से नहीं बैठेगा, क्योंकि इसका सही परिमेय में हम लोग पहरेदार हैं, इसका सही तरह से हम देखभाल करते हैं। अगर वहां पे आप अगर वहां पे जाकर हम लोगों को खाली करके दूसरों को अगर बैठोगे, और जब हम लोग अपना आंदोलन करते हैं तो आप लोग कहते हो कि ये नक्सलवादी है, ये माओवादी है। अबे माओवादी कहां से आ गए भाई? माओवादी कोई चीन से थोड़ी आया। मैं समय का ध्यान रख रहा हूं, क्योंकि जो चीज है, जो जजमेंट आई आज इतने साल के बाद 1955 में सिविल राइट एक्ट रहा, संविधान में बहुत सारे प्रावधान है, उसके बाद 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया, उसके बाद 1995 का रूल्स आया, मगर कभी भी एट्रोसिटीज एक्ट को यहाँ पे लागू करने के लिए आपने कभी भी कोई पहल नहीं किया। या 5th शेड्यूल में जहां प्रावधान है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वहां पे भी उसको आपने कभी भी लागू नहीं किया। और आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वहां पे जो स्पेशल प्रोविजन था, स्पेशल एक्ट था, उसको आप लोग उसको उठा रहे हो, यानी जो एंटीसिपेटरी बिल मना किया जाता था। अरे एक आदमी अगर एक्यूज्ड को मार देता है किसी विक्टिम को, आदिवासी दलित को, तो उसके बाद अगर उसको खुला छोड़ दोगे तो ऊपर बाहर आके उसको ही वो थ्रेटनिंग करेगा कि आदिवासी उसको वापस ले ले एप्लीकेशन को, नहीं तो मैं तुमसे जान से मार दूंगा। आज हर जगह पे हर मिनट पे जो अत्याचार हो रहा है, आप लोग पेपर पढ़ रहे हो, बड़े बड़े लोग, आप नहीं देखते किस तरह से अत्याचार हो रहा है? गुजरात के अंदर भी अत्याचार हो रहा है, हर जगह पे अत्याचार हो रहा है, और आप इधर स्पेशल एसी क्वार्टर में बैठ के बिना कोई रूल रेगुलेशन के, बिना कोई ऐसा कोई आंकड़ा भी नहीं है कि कभी कोई आदिवासी क्या दलित प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को गलत तरीके से उसका फायदा लिया। भाई साहब अभी तक तो हमने किस चीज का फायदा भी नहीं लिया। अभी सही मायने में संविधान को लागू करो। और मैं कहना चाहता हूं, आप एक नारा दूंगा, आप कहोगे उसके साथ आप, मैं कहूंगा 5th शेड्यूल को लागू करो, आप कहोगे नहीं तो कुर्सी खाली करो। 5th शेड्यूल को लागू करो, 5th शेड्यूल को लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, 5th शेड्यूल को लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, 5th शेड्यूल को लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो।
मैं कहूंगा हाँ हाँ हम आदिवासी, आप कहोगे इस धरती के मूल निवासी। हाँ हाँ हम आदिवासी इस धरती के मूल निवासी। हाँ हाँ हम आदिवासी इस धरती के मूल निवासी। हाँ हाँ हम आदिवासी इस धरती के मूल निवासी। हम लोग सबसे टैलेंटेड लोग हैं, आपको अगर इतना मेरिट की चिंता था आप तो रिजर्वेशन ले रहे हैं। रिजर्वेशन, अरे यार रिजर्वेशन तो आप लोगों को मिल रहा है, आप एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा? अगर उसको डर लगता था, क्योंकि आपका संरक्षण आपका रिजर्वेशन खतरे में आ जाता। अबे दम होता तो आप एकलव्य का हाथ अंगूठा को नहीं काट के आप उसके बाद मुकाबला करते अर्जुन के साथ, तो बता देता इस आदिवासी कि आदिवासी इस धरती का सबसे ज्यादा टैलेंटेड आदमी है और दूसरा कोई नहीं है। जय आदिवासी।